आपने यहाँ पे आवारा गाय देखी है? हाँ जी बहुत देखी है। बहुत है, so many। बहुत देखी है, काफी है। हाँ काफी। हाँ जी हाँ जी जरूर देखी है जी। आपके अनुसार ये कहाँ से आ रही हैं? लोग ही छोड़ते होंगे ना, क्योंकि जिन जब गाय बेचारी दूध देना बंद हो जाती हैं और उनको कोई फायदा नहीं रहता तो वो छोड़ देते हैं। जब यूज खत्म हो जाता है गाय का तब उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। मोस्टली हर गांव में जो बेकार हो जाती है, जो दूध देना बंद कर देती है, तो उनको वैसे छोड़ देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द काउज जो स्ट्रे काउज है वो है जो ओनर्स ने छोड़ दिए हैं। जब तक हमारे देश में गाय को होली कहा जाएगा ना, होली काउ, इज नॉट जस्ट अ काउ, इट्स अ होली काउ, तब तक हम सड़कों पर उनको सब सड़कों से उनको हटा नहीं पाएंगे। मैं आपकी बात समझा नहीं था, अगर वो होली ना होती तो क्या होता? तो हम खाते होते उनको। तो आपको पता है कि गाय दूध तब देती है जब वो बच्चा देती है? ये मुझे नहीं पता, बट हाँ आपका लॉजिक ठीक है कि प्रेग्नेंट होगी तभी दूध देगी वरना नहीं देगी। नहीं मुझे नहीं पता, नहीं ये नहीं पता था। इट्स सेम लाइक ह्यूमन, इंसानों के लिए भी प्रेगनेंसी के समय ही ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो सिमिलरली काउ के लिए भी प्रेगनेंट अगर जब तक नहीं होंगे तो मिल्क कहाँ से आएगा? ये जो बछड़ा पैदा होता है, जो मेल पैदा होता है, आपको क्या लगता है लोग उसका क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, मार देते हैं। मोस्टली मार भी देते हैं और छोड़ भी देते हैं बच्चे का। जी नहीं पता। स्लॉटर हाउस ही भेजते होंगे। इससे पहले तो क्या होता था कि दे उनका जो यूज होता था एग्रीकल्चर लैंड में होता था, तो वो तो खैर पहले की बात है, फिलहाल अभी उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मेल को रखते होंगे क्योंकि वो अगर मेल नहीं होगा फिर बच्चा कहाँ से पैदा होगा अगर मेल नहीं होगा? बच्चे के लिए तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, इंजेक्शन से होता है उसके लिए बछड़ों का। तो अब होने लगा है ना। हाँ तो मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी होता होगा तो मेल को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको तो छोड़ ही देते। आपको पता है इंडिया बीफ का नंबर वन एक्सपोर्टर है? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा जी, ये मुझे नहीं पता, इट्स एन इनसाइट एक्चुअली। अगर ये है तो ये सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड में भी हम सबसे नंबर वन पर हैं, इसका मतलब। आई डिड नॉट नो दिस। आपको नहीं पता? नहीं पता। अगर दूध के पीछे आपने कहा कि बछड़ों को मार दिया जाता है, तो क्या दूध सही मायने में एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट माना जाएगा? तो आपके अनुसार दूध तब भी एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट हुआ? नहीं नहीं नहीं, कोई भी प्रोडक्ट जो एनिमल से प्राप्त हो वेजिटेरियन होता ही नहीं है। मिल्क इज नॉट अ वेजिटेरियन। नो नॉट रियली, आई नो दैट इट इज नॉट अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट। नहीं नहीं, नॉन वेजिटेरियन है एक किस्म का। तो उसका खून पी रहे हैं हम। जैसे मेडिकल साइंस में भी व्हेन वी स्टडी वी डोंट नेम द मिल्क प्रोडक्ट्स एज अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, वी कॉल देम एनिमल प्रोडक्ट्स। वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ही बीफ बनाया जाता है, राइट? सो उसके बिना तो मिल्क नहीं बनना, तो मिल्क इज नॉट वेजिटेरियन। जिसको हम ट्रेडिशनली वेजिटेरियन डाइट भी समझते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी एनिमल्स को सफ़र करना पड़ता है। तो द फैक्ट कि दूध के लिए इतनी सफरिंग हो रही है, उससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? एक्चुअली दूध की बात तो है ही, फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन मोस्टली हम लोग उस फैक्ट में सोचते हैं। तो आप दूध का प्रयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। बताओ, मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं तो जानवर खा जाता हूँ, मेरा तो वो पूर्ति हो जाती है। मैंने भी थैलियाँ कंज्यूम की और मैं जानता हूँ कि इनके साथ बहुत अत्याचार होता है गायों के साथ, और वो जानते हुए मैं कंज्यूम करता हूँ। नहीं, हम बहुत कम पीते हैं चाय, इतने ज़्यादा नहीं, कम करते हैं। आपको लगता है कि ये जानने के बाद आपकी मिल्क कंजम्पशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? यस, कम होगी। आप सफरिंग नहीं करना चाहती क्योंकि आपने कहा कि मैं दूध ऐसी जगह से लेना हाँ। चाहूँगी जहाँ सफरिंग कम हाँ। हो, पर दूसरी तरफ आप पिज्ज़ा भी हाँ। खाते हैं, तो हाउ डू यू? देखिए, आज का दौर थोड़ा अजीब है। अगर कोई अत्याचार करके जानवरों पे कुछ बनाता है तो वो बेचना अलाउड है, पर अगर हम इसी अत्याचार को आपको दिखाते हैं तो ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। तो हम साफ बात करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि ये साफ बात आप तक कब तक पहुंचती रहेगी। तो हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है t.me/peoplefarm,
आप वहाँ पर हमसे जुड़िए ताकि हम डायरेक्ट आपसे संवाद कर सकें, जो भी हम बनाते हैं, जो भी हमें कहना है, हम डायरेक्ट आप तक पहुँचा सकें।